दोस्तों जो चीज आपको नहीं दिखती, मुझको नहीं दिखती, वो चीज सोशल मीडिया के ऊपर बखूबी दिख जाती है। वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया से, जनता से, फैन से कुछ नहीं छुपता। ऐसी सच्चाई है भाई कि सोशल मीडिया से आप कुछ भी छुपा लो, लेकिन सोशल मीडिया से ऐसी कोई चीज है नहीं जो छुप जाए। आपको सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसी है भाई धनश्री वर्मा और श्रेयस अय्यर की दोस्ती। ये दोनों भाई तमाम बड़े बड़े मौकों पर एक साथ देखे जाते हैं। जहां पर चहल ना हो नहीं होते वहां पर धनश्री वर्मा और श्रेयस अय्यर एक साथ स्पॉट होते हैं। इन दोनों की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा पुरानी है और लगातार इनकी फोटोज वायरल हो जाती है। कभी कभार पब्लिकली खुद से या फिर कभी कभार एक दूसरे के ऊपर तुक्का लगाते हैं फैंस। और कहीं ना कहीं ऐसे स्पॉट होते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा, आप थोड़ा टाइम पहले बारिश की स्टोरी वायरल हुई थी, धनश्री वर्मा की कॉमन स्टोरी थी, उसके बाद सेम स्टोरी सेम जो सीनरी थी वो श्रेयस अय्यर ने भी पोस्ट की थी अपने बारिश की वो सीनरी थी। और इसके बीच भाई दोनों ने फैंस ने यहां पर कॉमन चीज लाई कि ये दोनों सेम ही थे, दोनों एक साथ थे और दोनों ने एक साथ स्टोरी पोस्ट नहीं करी, अलग अलग एंगल पर पोस्ट की, लेकिन उसके हिसाब से फैंस ने हिसाब लगाया कि ये दोनों साथ थे। तो तमाम ऐसे बार बार मौके हुए जहां पर धनश्री वर्मा और श्रेयस अय्यर की जो दोस्ती है वो बार बार बड़े बड़े मौकों के ऊपर सामने है। तो भाई फिलहाल वर्ल्ड कप 2023, आपको पता है एशिया कप 2023, इन दोनों बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर चहल का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन चहल भाई काउंटी खेलने गए हुए कहां पर, इंग्लैंड के अंदर। लेकिन इसी बीच वर्ल्ड कप 2023 से पहले भाई गणेश चतुर्थी हुई, गणेश चतुर्थी गणेश पूजा हुई, तो ये चीज़ भाई चहल के घर पर भी हुई। और चहल के घर पर धनश्री वर्मा की एक फोटो वीडियो वायरल हो रही है जहां पर धनश्री वर्मा पूजा कर रही है गणेश जी की, गणपति बापा की। इसके साथ फैंस ने क्या चीज़ नोटिस की इस पूरी वीडियो के अंदर, जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ थोड़ी सी अलग है, आप बोलेंगे थोड़ी सी हटके, वो ये है कि यहां पर चहल तो नहीं है, चहल तो काउंटी खेल रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, लेकिन इस वीडियो के अंदर श्रेयस अय्यर फैंस ने स्पॉट कर लिया। भाई तीखी तेज नज़र होती है फैंस की और फैंस ने यहां पर श्रेयस को स्पॉट करा इस वीडियो के अंदर, जहां पर श्रेयस अय्यर पीछे खड़े हुए ताली बजा रहे हैं हरे कुर्ते के अंदर। और वैसे भाई बड़ी पार्की नजर है, वैसे तो आपको अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप क्लोजली इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो श्रेयस अय्यर विजिबल हैं, श्रेयस अय्यर ताली बजा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर जब लोगों ने श्रेयस अय्यर को नोटिस करा तो भाई कमेंट सेक्शन का भरना तय था। श्रेयस अय्यर को देखा, श्रेयस अय्यर ये, श्रेयस अय्यर वो। तो आइए एक बार कमेंट्स के ऊपर नजर मार। तो अलग अलग लोगों ने कमेंट कर रखा, वेट अ मिनट आई सॉ श्रेयस, यहाँ पर लिखा है करण जी ने, उसके बाद अय्यर क्या कर रहा है, श्रेयस अय्यर भी पूजा में है गणपति बापा मोरिया, उसके अलावा यहाँ पर आई सॉ अय्यर एक बार फिर से, अय्यर भी आया है कुछ तो गड़बड़ है। तो आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर कमेंट्स आए और कुछ ऐसे ही कमेंट्स यहाँ पर लगातार भरे पड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर जब जब श्रेयस अय्यर और धनश्री वर्मा एक साथ कहीं पे भी स्पॉट होते हैं। तो यहाँ पर फैंस भाई कुछ अपना अलग मतलब निकाल रहे हैं इस वीडियो का, थोड़ा सा गलत मतलब निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती हैं। और इनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी प्योर इनकी दोस्ती है। और धनश्री वर्मा को कहीं ना कहीं ट्रोल किया जाता है श्रेयस अय्यर के नाम से, और श्रेयस अय्यर को ट्रोल किया जाता है धनश्री वर्मा के नाम से। और इनके बीच पिस्ता कौन है, युजवेंद्र चहल, जो कि भाई खिलाड़ी भी अभी प्रेजेंट के अंदर नहीं है, टीम इंडिया के किसी भी फॉर्मेट के अंदर नहीं है, वनडे के अंदर बाहर हो गए, वर्ल्ड कप के अंदर बाहर हो गए, एशिया कप के अंदर बाहर हो गए। तो इन तीनों की जो ट्रोलिंग है वो सोशल मीडिया के ऊपर दबाकर चलती है। देखने वाली बात होगी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर क्या कुछ होगा, क्या टीम इंडिया यहां पर वर्ल्ड कप जीत पाएगी, चहल कब तक वापसी कर पाएंगे। श्रेयस अय्यर को तो वैसे भी वर्ल्ड कप टीम के साथ जुड़ना है, प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी, और इसी बीच यहां पर श्रेयस अय्यर ने धनश्री वर्मा के साथ मनाई गणपति पूजा। तो ये वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी क्या कुछ राय पूरी वीडियो को लेकर, वर्ल्ड कप 2023 के अंदर कौन जीतेगा हमें अपनी राय जरूर बताएं।